नमस्कार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 क्या हटा, पाकिस्तान बौखला गया है, तिलमिला सा गया है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आर्टिकल 370 के हटने से पाकिस्तान की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि नेताओं को तो छोड़िए, खिलाड़ियों की भी नींद उड़ गई है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और सरफराज अहमद के बाद अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी शामिल हो गए हैं। दरअसल एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत करते हुए जावेद मियांदाद कश्मीर के नेताओं की जुबान बोलने लगे। मियांदाद ने भारत को एक डरपोक देश बताया। जावेद मियांदाद से जब कश्मीर के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आपको हमला करना चाहिए, ये हर जगह नियम है कि आप अपने बचाव में मार सकते हैं। जब उनकी लाशें घरों में जाएंगी तभी उनको एहसास होगा। तो आप ये कर सकते हैं, यस आपके पास वेपन नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस वेपन है तो लेको, अपनी जान को बचाने के लिए अटैक। मोदी, ये हर जगह ये रूल है कि अगर अपने लिए आप सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज रख सकते हैं तो रखो। तुम मुसलमान भाई हो, तुम लो, अगर मारो तो मार। जावेद भाई, मोदी को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान घरों में जाएंगी फिर उनको एहसास होगा कि इंसान की जिंदगी क्या होती है। जब जावेद मियांदाद से पूछा गया कि वो हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे तो उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत एक डरपोक देश है। अभी तक इन्होंने किया क्या है? परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखा है, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। जावेद, मोदी को क्या पैगाम देंगे कि कश्मीर हमारा है? मोदी को क्या पैगाम देंगे कि हम यूनाइटेड हो गए हैं और हमसे मुकाबला? मोदी साहब को तो पता है, पहले भी मैंने कहा था, ये कावट लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। ये अभी तक इन्होंने किया क्या? हम ये तो न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ, हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। वैसे जावेद मियांदाद एक क्रिकेटर रहे हैं, एक खिलाड़ी, नेता नहीं। क्योंकि अगर नेता होते तो पहले अपने पीएम इमरान खान का पीएम मोदी से डरता हुआ वो बयान जरूर सुनते, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह से बालाकोट हमला किया था ठीक उसी तरह से अब भी वो पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है। खुद पाकिस्तान के मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि ये भारत नेहरू का नहीं, मोदी का भारत है। वैसे आपको बता दें कि जावेद मियांदाद एक क्रिकेटर होने के साथ साथ भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समधी भी हैं।